वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर, और आज हम ऑफिस मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर रहे हैं। और आज का एजेंडा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू आवर ऑफिस मैनेजमेंट, देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द लर्निंग आउटकम्स, फॉलोड बाय दैट वील बी डिस्कसिंग अबाउट इमेंस करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दैट ऑफिस मैनेजमेंट हैज टू ऑफर, देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क, अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे तो उसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फैसिलिटेटर्स की प्रोफाइल डिस्कस की जाएगी, और फिर टुवर्ड्स द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेशल ऑफर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस दिस ओरिएंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सब में से कितने हैं जो कि अपने आप को जो है वो समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में ऑलरेडी आपका कुछ ट्रेनिंग हो चुकी है, या कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अहम है? क्या लगता है आपको कम्युनिकेशन कितने अहम है हमारे पास ऑफिस में? एक इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कवर करनी है कि कम्युनिकेशन इज स्किल इज नॉट अबाउट बात करना। जैसे कि फहद ने भी कहा कि जैसे हम बात करते हैं तो दैट मीन्स उन्होंने बात को फोकस किया, स्पीकिंग को फोकस किया, लेकिन कम्युनिकेशन इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स, कि आप कितना एक्टिवली लिसनिंग करें, क्योंकि जब तक आप लिसन नहीं करेंगे तब तक स्पीक क्या करेंगे, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और लिसनिंग भी अपने आप में एक प्रॉपर स्किल है जो सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारे माइंड में जो है ना बहुत सारे आइडियाज उछल रहे होते हैं, तो उनको जो है ना उन आइडियाज को जो है ना बस बगैर सुने हुए भी सामने शेयर करना होता है कि यार पहले मेरी सुन लो, और इससे पहले कि ये तुम कुछ बोल रहे हो मैं समझ गया और तुम अब मेरी बात सुनो, नहीं, आपको पहले अगले बंदे को प्रॉपर चांस देना है कि आप उसको लिसन करें और उसको प्रॉपर टाइम दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी कम्युनिकेशन जो सामने हो रही है उसमें इंटरप्शन नहीं करें। ये हमारे में आम एक फिनोमेना होता है कि भाई माइंड वो बात कर रहा है उससे पहले जवाब तैयार हो रहा है कि भाई पहले मेरा जवाब तैयार हो। मकसद क्या है कहने का कि अगर ऐसी चीज कोई है तो ये ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इन चीजों के बारे में ग्रूम किया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कहाँ पे अपने आप को स्टॉप करना है और अगले को लिसन करना है, कहाँ पे आपको अपना मैसेज देना है और अगले को स्टॉप करना है। ये सारे स्किल्स होते हैं और ये बहुत बारीक चीजें होती हैं जो कि आपको पता है कि नॉर्मली अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नॉर्मली अगर आप किसी और मतलब इंटर या बीकॉम वगैरह कर रहे हैं उसमें इन चीजों को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, जबकि आपने यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को एतराफ किया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। आपके पास चाहे टेक्निकल स्किल हो या ना हो, बाजू का टेक्निकल स्किल होता है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपना आइडिया, तो फिर क्या फायदा उस टेक्निकल स्किल का, क्योंकि आप अपना आइडिया ही नहीं दे पा रहे। तो इसमें जो है हम डिटेल में कवर करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या डेफिनेशन है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, क्या क्या टाइप से। वैसे अगर किसी को आप बता दो यार ये कौन सी इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेट चीज है, कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं आता हमें, और वो लेकिन बिलीव यू मी ये जो है ना एक हिडन चीज होती है, अगला बंदा जज कर रहा होता है कि ये किस लेवल पे, वो आपको बताएगा भी नहीं कि आपने कहाँ पे एरर किया है, लेकिन क्योंकि आपकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हुई भी होगी, आप प्रॉपर तरीके से सीखे हुए होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर डिफरेंस फील करेंगे कि यार हाँ वाकई पहले मैं ऐसे बात करता था, अब मेरी कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन मेरी और भी स्ट्रांग हो गई है क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अच्छा फिर आप खामोश होंगे बातों का कि यार ये मुझे पता है किस लेवल की बात कर रहा है, क्योंकि आपकी खुद की तो ट्रेनिंग हुई भी है तो आपको पता है ये कौन सी लेवल पे है, लेवल वन पे, लेवल टू पे, लेवल थ्री पे, राइट? तो वो जो है ना शऊर या वो जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि मेंटली बंदा स्ट्रांग हो जाए। फिर इसमें ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिकेशन, सिंपथी वर्सेस एम्पथी, कि भाई कब आपको अपनी एम्पथी शो करनी है इन कम्युनिकेशन, कब आपको जो है वो सिंपथी शो करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बेनिफिट्स क्या हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स के। तो वैसे तो हमें बहुत सारी अहमियतें पता होती है, लेकिन हम इसमें और भी थोड़ा सा फर्दर डीप डाउन जाएंगे कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे, और फिर इसमें कुछ मॉडल्स भी होते हैं कम्युनिकेशन के, तो उन मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा उसके अलावा फर्दर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आपको पता है कि आजकल के दौर में कॉम्पिटेंसी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है।
अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट के उसमें हैं, एक एनवायरनमेंट में हैं, तो बाजों का किसी किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसको कहते हैं बचपन है यार, ये तो अभी बच्चों वाली हरकत कर रहा है, ये बिल्कुल एक आम एक सीनियर होता है यार, अभी इसको थोड़ा सीखने के लिए टाइम चाहिए, राइट? तो वो क्या होता है कि कहां पे आपके लर्निंग, क्योंकि वो बाजों का चीजें एक्सपीरियंस से सीखता है बंदा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बगैर गलतियों किए हुए सिखा दे तो ज्यादा बेहतर वो हुआ, या फिर गौरिये के बेस्तियां करा के और जो है वो गलत कमेंट सुन के और फिर ही अपने आप को ग्रो करना है और कहना है कि भाई मैं तो तजर्बे से सीखा हूं, तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो तो आपको उस तजर्बे में ऐसे गलत गलत तजर्बे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक प्रोसेस में आप ट्रेंड हुए हो, तो वो एरर्स नहीं करोगे, वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, जो कि एक ऐसा बंदा जिसने अगर प्रॉपरली ग्रूमिंग नहीं ली हुई अपनी तो वो मिस्टेक्स कर रहा होगा, आप ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो गए, राइट? तो इसमें फिर बॉस वर्सेस लीडर में क्या फर्क होता है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरमेंट में, और इसके जो है वो फिर आपके बेनिफिट्स आपकी वर्किंग लाइफ में कैसे पड़ते हैं, तो इस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर है, स्किल टू प्रेजेंट योर वर्क वेल डन, वेरी गुड। कॉम्पिटेंसी वो होती है जो कि आप करके दिखाओ। मिसाल के तौर पे आपको कहता है कोई कि भाई आपको जो है वो ये सॉफ्टवेयर चलाना आता है या नहीं चलाना आता। मिसाल के तौर पे मैं ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ईआरपी एक सॉफ्टवेयर, ईआरपी एक है सॉल्यूशन, एसएपी है, भाई एसएपी आपको आता है या नहीं आता? एसएपी अगर आता है तो आप कॉम्पिटेंट हो, करके दिखाओ। अगर आप करके दिखाओगे दैट मीन्स आप कॉम्पिटेंट हो, अगर नहीं करके दिखाओगे तो आप नॉट कॉम्पिटेंट हो। तो कॉम्पिटेंसी उसको बोला जाता है जो कि आप एक्चुअली करके दिखाएं और प्रूव करें, थ्योरेटिकल बात ना हो। टैक्सेशन में आपको टैक्स का जो है वो टैक्स इनवॉइस बनाना आती या नहीं आती? सर आती है तो ठीक है, टैक्स इनवॉइस बना के दिखाओ। अगर आपने प्रूव कर दिया टैक्स इनवॉइस बनाना आती है आपको, तो दैट मीन्स नाउ यू आर कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी आपके अंदर, क्योंकि आपने प्रूव किया उसका। तो ये हमें जो है ना चीजें सीखनी होंगी कि हम प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाएं अपने इंटरव्यूज में या अपनी जॉब में कि हाँ ये हमें चीज आती है, अमलन हमें आती है, उसको कॉम्पिटेंस बोला जाता है जो अमलन प्रूफ किया जाता है। तो करके दिखाओ वाला पार्ट कॉम्पिटेंस होती है, करके दिखा दी तो कॉम्पिटेंट है, करके नहीं दिखाया तो नॉट कॉम्पिटेंट। तो लेकिन उसको कैसे सीखना है कि भाई वो कैसे कॉम्पिटेंस अपनी डिलीवर करनी है, ठीक है? अच्छा, फिर आपको पता है कि आजकल के दौर में प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अहम। अब इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पे इस पार्ट में कि हम आपको जो है ना वो एमएस ऑफिस का वो जो है ना वर्ड दिखा रहे होंगे कि भाई फाइल में जाओगे या व्यू में जाओगे या स्लाइड शो जाओगे, ऐसे नहीं। प्रेजेंटेशन स्किल्स में हम यहाँ पे जो आपको कवर कराएंगे वो है हाउ टू डिलीवर प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट हाई इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन। आपका जो है वो फॉन्ट क्या होना चाहिए, आपका पीछे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, आपको ऑडियंस की क्या, जब आप प्रेजेंटेशन किसी को देने चाह रहे हो तो ऑडियंस की क्या रिसर्च करनी है, आपको जो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आपको इक्विपमेंट्स कौन से यूज करने प्रेजेंटेशन के दौरान, मतलब प्रेजेंटेशन की डिलीवरी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि भाई डिलीवर कैसे करना है, ठीक है ना? उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो कि डिस्कस की जाती है। आपका जो है वो व्यू पॉइंट है उसको कैसे लेकर आओगे अपनी प्रेजेंटेशन में, ऑडियंस को कैसे समझोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन के डिफरेंट जो है वो स्कोप्स होते हैं, उन स्कोप्स को भी सेट किया जाएगा कि भाई आप मिसाल के तौर पे अगर वर्क प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑफिशियल्स को तो उसमें क्या तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस को अपने पिच करना जा रहे हैं, मतलब अगर नया आइडिया है और आप अगर किसी इंक्यूबेटर में जा रहे हैं तो वहां पे कैसी प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए, तो वो क्योंकि स्कोप हर प्रेजेंटेशन का जो आउटकम है वो डिफरेंट होता है हर जगह पे, तो वो प्रेजेंटेशन की डिलीवरी भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है। तो उसको जो है ना थोड़ा सा स्कोप में लेकर आएंगे कि भाई कहाँ पे कौन सा मोड है, उसमें कैसे आपको डिलीवर करना है, ठीक है? और फिर आपको जो है वो उसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी कराएंगे सारी के भाई किस तरीके से डिलीवर करना है प्रेजेंटेशन। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट ऑफिस ऑटोमेशन आ जाएगी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑफिस मैनेजर होते हैं जिनको वर्ड चलाना तो आती है यार, इतना आता है कि काम चल जाता है बस, ठीक है ना? लेकिन हमें काम चलाने से आगे जाना है कि भाई एक्चुअल जो है ना एमएस वर्ड की जो है डिटेल्स में हम जाएं, कैसे उसकी पैराग्राफ्स वगैरह या कैसे उसके डिफरेंट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं
वो कैसे सेट होंगे तो वो हम इस पे कवर करेंगे। एमएस प्रेजेंटेशन के भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, एनिमेशंस कैसे ऐड होती हैं, स्लाइड शोज कैसे बनते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं, और फिर एमएस एक्सेल को लिंक कैसे किया जाता है पावर पॉइंट से, क्योंकि एमएस एक्सेल में अगर कोई रिपोर्ट बनती है उस एमएस एक्सेल की रिपोर्ट को फिर पावर पॉइंट में दिखाया जाता है। तो आपकी ऐसा हो कि अगर एक्सेल में रिपोर्ट चेंज हो रही है तो वो पावर पॉइंट में भी चेंज हो, मतलब वो लिंक कर दिया जाए, ऑटोमेट किया जाए उस रिपोर्ट को। तो वो भी इसमें हम कवर करा रहे होते हैं कि कैसे आप बिटवीन एक्सेल टू पावर पॉइंट लिंक कर सकते हैं अपनी चीजों को, कैसे आप आउटलुक विद एक्सेल लिंक कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल लोगों को ईमेल भेजनी है, ठीक है, तो क्या आप बैठ के टू के एड्रेसेस में लिखेंगे लेटर अगर पूरा भेजना है। अगर मिसाल के तौर पे एक लेटर आपने ड्राफ्ट किया और वो लेटर आपको 500 कंपनीज को भेजना है, 500 जगहों पे भेजना है, तो क्या आप ऐसे करेंगे कि जो है वो 500 दफा बैठ के, वो एक तो तरीका ये होगा कि आप लेटर अटैच करके ईमेल भेज दें 500 को, एक होगा डियर ताहिर, डियर असलम, डियर परवीन, या डियर सना, या डियर जो भी आपका, डियर फहद, जो भी वो नाम है कस्टमाइज आ जाए एक्सेल से और वो लेटर उसको कस्टमाइज जाए, तो वो एक लिंकिंग होती है जो कि आउटलुक और एक्सेल एक्सेल में कराई जाती है, या फिर एक्सेल और वर्ड की जो है ना एक लिंकिंग होती है, तो वो एक्सेल की डेटाबेस से वो नाम लेगा और वर्ड में वो लेटर्स अपडेट करेगा। शायद आपको बात नहीं है, अभी शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन मेल मर्ज का जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तो वो मेल मर्ज का जो एक ऑप्शन होता है उसको हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, ताकि आप जो है वो अपने स्मार्ट ऑफिस ऑटोमेशन को अप्लाई कर सकें अपने मॉडर्न वर्किंग एनवायरनमेंट, बिकॉज आज की जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हो चुकी है, तो हमें वो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अपने आप को सीखने पड़ेंगे, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि हम कॉन्फिडेंटली काम कर सकें ऑफिस में। वरना अगर स्किल नहीं आ रहा होगा तो कभी किसी से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया, कभी यूट्यूब देख ली, ठीक है ना, कभी कोई आपने फॉरम देख लिया, मतलब हर वक्त आप दर बदर हो रहे हो, अलग अलग जगहों पे जा रहे हो, तो क्या ही अच्छा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बंदा आए और अपनी सारी ऑफिस मैनेजमेंट की चीजें एक ही जगह पे सीख ले, ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है कि आजकल गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स का भी जो है वो आस्ते आस्ते रुझान आता जा रहा है, लोग गूगल शीट्स को यूज करें, लेकिन हमें भी प्रॉपरली गूगल शीट यूज करने नहीं आती, तो हम जो है वो गूगल शीट्स को भी यूज करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके यूएस की जो फर्म्स हैं वहां पे जो है गूगल शीट का ज्यादा रुझान है। यहाँ पे हमारे पास अभी भी वर्ड बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन बाहर जो है ना गूगल शीट बहुत ज्यादा अपडेट हो अपने आप को, मतलब रुझान उसका, क्योंकि गूगल शीट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टू पीपल कैन अपडेट एट द सेम टाइम। वर्ड में ये होता है कि आप अगर डॉक्यूमेंट अपडेट किया फिर आप उसको ईमेल करो या व्हाट्सएप करो फिर वो अपडेट करेगा, यहाँ पे ये होता है लाइव अपडेट। अली अगर सामने बैठा हुआ है, सामने फरहान बैठा हुआ है, अली वहां से बैठ के लिंक को अपडेट कर रहा है, आप यहाँ से बैठ के दूसरी लोकेशन से बैठ के अपडेट कर रहे हैं और गूगल शीट अपडेट हो रही है लाइव बेसिस पे। तो ये इस तरीके की जो चीजें वो ज़ाहिर हमें अब सीखनी पड़ेंगी, ताकि हम अपने आप की स्किल्स अपग्रेड करें और उसको जो है वो कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट कर सके। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, जैसे के ड्रॉपबॉक्स है, और उसके अलावा जो है बॉक्स है, ठीक है ना, उसके अलावा और भी डिफरेंट जो है वो गूगल स्टोरेज जो आता है, गूगल ड्राइव है, जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस है, क्लाउड में आपकी सारी चीजें सेव होती है। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी कि भाई अगर ऑफिस मैनेजमेंट में हम अगर क्लाउड बेस्ड सर्विस है हमारे पास, तो उसमें कैसे जो है वो आपको काम करना है इफेक्टिवली, ताकि आप अपनी जो है ना बेहतर तरीके से जो है ना काम को असर अंजाम कर सके। अच्छा, उसके अलावा ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ज्यादा अहम होती है, जिसमें रिस्पॉन्डिंग एंड राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स कैसे लिखी जाती है, सल्यूटेशन कैसे की जाती है, आपका जो है वो जो एंड होगी उसको कैसे, सिग्नेचर कैसे लिखनी है, बॉडी कैसे होगी, आपको कैसे ग्रीट करना है, कौन सी ईमेल है उसके ऊपर कैसा टेक्स्ट होना चाहिए, उसके अलावा फर्दर आपको ऑफिशियल लेटर्स की कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी चाहिए, बिकॉज देखें जहाँ पे अब ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ऑफिशियल लेटर्स की जो अहमियत है वो अभी कम नहीं हुई। ऑफिशियल लेटर्स अभी भी अपने हिसाब से पूरी लेटर राइटिंग पूरी होती है और उसकी पूरी एक अहमियत है, तो उसकी कैसे लेटर्स ड्राफ्ट करने हमें, और कैसे उसकी जो है वो फॉर्मेटिंग्स करनी, और क्या क्या उसमें कंटेंट डाला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन अगर कोई कंप्लेंट लेटर है तो कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाएगा, अगर कोई जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड अगर कोई लेटर लिखना है, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा,
या नॉर्मल ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होगी, उसकी सारी टेक्निक को कवर करेंगे। फिर एक हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में राइटर मेमो होता है, तो मेमो कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे सर्कुलेट किया जाता है और उसकी क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, उसको भी कवर करेंगे। तो ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस जो एक जनरल लेक्चर चल रही होती है उसको हम जो है वो डिटेल में कवर करेंगे। फिर हमारे पास जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये टास्क हो, लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट में बाजू का ये पैटी कैश का काम भी आ जाता है। किसी को पैटी कैश का काम दे दिया जाता है, भाई तुम पैटी कैश पूरी उस ऑफिस का संभालोगे। तो वो पैटी कैश का टेम्पलेट क्या होता है, कैश हैंडलिंग कैसे होती है, कैश काउंटिंग कैसे होती है, जो पैटी कैश में रसीदें आ रही हैं आपके पास उन रसीदों को कैसे जमा कराया जाता है, फॉर्मेट क्या होता है एक्सेल का, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कुछ एक बैलेंस होता है जो दिया जाता है, फिर आप खर्चा करते हो, फिर एक क्लोजिंग बैलेंस होता है आपका, तो वो फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना, रिमार्क्स कैसे ऐड किए जाएंगे। तो एक प्रॉपर डिटेल में आपको पैटी कैश हैंडलिंग एक सिस्टम जो है वो पूरा सिखाया जाएगा डिटेल में। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो आपका मजीद नॉलेज में और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको प्रोफेशनली एक्सपर्ट गाइडेंस के हिसाब से सिखाएंगे। बिल्कुल, ये बस ऐसी तरीके, तो उसमें ये होता है कि आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग आज हो जाती है उसमें। फिर इनवॉइस क्रिएशन पे बाजू का ऑफिस मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाता है भाई, क्योंकि जरूरी नहीं है हर ऑफिस बहुत बड़ी बड़ी हो, कुछ छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल ऑफिसेस हो गई, तो उसमें जाहिर है एक ही बंदा बैठा होता है जो हर चीज कर रहा होता है, ठीक है ना, उसी के काम पे पैटी कैश होता है, उसी के काम पे इनवॉइस क्रिएशन होती है, उसी के पास जो है वो छोटे से बजट्स होते हैं जिसमें वो उसको मतलब मिसाल के तौर पे खाने का इतना बजट है और ग्रोसरीज का ऑफिस का इतना बजट है, ग्रोसरी के लिए 15,000 रुपए दे दिए आपने, लंच के लिए, हाँ, तो ये सारा जो है बजट्स मेंशन कैसे मैनेज करने, तो वो आप जो है ना उसको पूरा टेक्निक एक एक्सेल में पूरी कवर कराई जाती है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्योंकि आप पता है ऑफिस मैनेजमेंट वाला वो काम होता है जिसमें हर वक्त प्रेशर होता है कि भाई कभी कोई नई चीज आ गई, कभी कोई मल्टीपल काम आ रहे होते हैं एक साथ, तो आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे और कैसे आप जो है वो प्रेशर को हैंडल करेंगे, तो वो चीज ऑब्वियसली डिटेल में, क्योंकि हर काम करने में ये नहीं है कि हाथ पैर पांव सब फूल जाएं, और ऑब्वियसली आपको इत्मीनान से हर चीज में काम करना पड़ता है और आपको इन कंट्रोल रहना पड़ता है चीजों, तो वो इन कंट्रोल किस तरीके से आप रहेंगे और अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जाहिर है अगर ज्यादा प्रेशर ले लिया जाएगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी खराब हो जाता है, तो आपको जो है वो कैसे मेंटेन करना है उस प्रेशर को और कैसे अपनी सारी टास्क भी कंप्लीट करनी है, मल्टीपल टास्किंग कैसे करनी है, या मल्टीपल, वैसे मैं तो बिलीव नहीं करता मल्टीपल टास्किंग, बिकॉज मल्टीपल टास्किंग में कहीं ना कहीं काम खराब ही हो जाता है किसी न किसी तरीके, तो बजाय इसके कि आप फोकस कर लो मल्टीपल, मतलब आप टास्क को डिवाइड कर दो और हर टास्क को टाइम दो अपने हिसाब से, वो टास्क एक दफा ही करो, फिर दूसरी टास्क करो उसको प्रॉपर टाइम दो, फिर तो मकसद कहने का ये है कि मल्टीटास्किंग में बाजू का फेलियर हो जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है और आप अपनी टास्क को कंप्लीट भी करनी है सारी चीजें, तो वो सारी एक सिचुएशन एक आ जाती है ऑफिस मैनेजमेंट में जिसमें आपको मल्टीपल टास्क करनी भी पड़ती है, लेकिन आप अगर करोगे तो आपको पता है कि इसमें मुझे कंफ्यूजन हो सकती है, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज ये सारे ट्रिकी पार्ट्स होते हैं, आपके पास कोई भी आंसर नहीं होता उसका राइट और रॉन्ग, लेकिन समहाउ यू हैव टू मैनेज दैट, क्योंकि काम तो आपको ही करना है अल्टीमेटली, राइट, तो हम इसको भी सीखेंगे। फिर आपको पता है कि अल्टीमेटली हम अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो हमारा बुनियादी मकसद यह है कि अपने करियर्स को ग्रो करें, नए नए स्किल सीखें, और आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि फर्दर अपने आप को रेज्यूमे बिल्ड करके आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो हम यहाँ पे रेज्यूमे की बिल्डिंग सीखेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल सीवी बनती है। फिर इसमें यह आता है कि पाकिस्तान का सीवी फॉर्मेट अलग है, यूएई का फॉर्मेट अलग है, यूके और अमेरिका का फॉर्मेट अलग है, तो वो सीवीज के फॉर्मेट्स को भी सीखा जाएगा। कनाडा ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है सीवी का, वो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कोई ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी स्टाइल वाली सीवी भेजेगा तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो जो है उन फॉर्मेट्स इंटरनेशनल फॉर्मेट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ऐसे सवाल आते हैं भाई फोटो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या जो है वो लोकेशन डालनी चाहिए नहीं, मतलब ऐसे किस्म के पर्सनल डिटेल डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, तो ये मकसद कहने का है कि ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सवाल आ जाते हैं हमारे माइंड में और एक कंफ्यूजन भी होती है बाजों का कि यार कैसे क्या सही तरीका है, तो उसको जो है ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि भाई रेज्यूमे में क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जब जाएंगे तो उसके लिए क्या फर्क आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है कि आजकल के दौर में लिंक्डइन बहुत ज्यादा अहम है, आप चाहे किसी भी जगह पे चले जाएं लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो है ना अपने आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, और लिंक्डइन पे आपको जो है वो कैसे अल्गोरिथम्स डिफरेंट जो है वो उनको यूटिलाइज करते हुए, ताकि अगर कोई जॉब सर्चिंग में एचआर प्रोफेशनल अगर
जॉब को सर्च कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल रैंक करके टॉप पे आ जाए, क्योंकि वो तो आपको पता है शुरू की 3-4 या 5 प्रोफाइल देखते होंगे, बाकी सारे नीचे चले गए, तो क्या ऐसा हो कि आपकी प्रोफाइल भी टॉप पे आए? क्या ऐसे स्किल्स होंगे, क्या ऐसे इसमें आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, कि SEO की टेक्निक्स आ जाती है लिंक्डइन के ऊपर कि क्या आप अप्लाई करेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल भी दिखे सबको और आपके भी व्यूज बढ़े। बिल्कुल, फिजिकल में हमारे पास पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल तो बनी हुई थी लेकिन समहाउ मेरा कंप्यूटर खराब हो गया और अब मैं अगर लिंक्डइन प्रोफाइल कहीं और खोलता हूँ तो वो खुलती नहीं है। हालांकि इसका कंप्यूटर खराब होने से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ID तो बनी हुई होती है उसमें, लेकिन मे भी कोई पासवर्ड भूल गए होंगे आप या कोई शायद, तो वो इस तरीके के मकसद है कि सिचुएशंस आती हैं, तो वो यहाँ पे इस ट्रेनिंग में हम उसको कवर करेंगे डिटेल में कि भाई लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए और अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हमारे मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए जिनकी प्रोफाइलें एक्टिव नहीं थी पहले, तो उन्होंने फिर मेरे पास यहाँ पे आए होते हैं अपने इश्यूज शेयर करे, मैंने उनकी प्रोफाइल एक्टिव कराई और फिर अब वो उनकी प्रोफाइल जो है वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, सर्च इंजन में भी आ रही है। तो मकसद है कि ये सारे इश्यूज आते हैं, बंदा कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या यूट्यूब के पास जाए, क्या यूट्यूब जवाब दे देगी कि भाई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं चल रही तो आप बताओ, क्या लिंक्डइन या यूट्यूब का सेशन आपको हेल्प कर लेगा, नहीं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जिसमें आपको कस्टमाइज हेल्प चाहिए होती है क्योंकि आपकी सिचुएशन हर किसी की अलग अलग है, तो आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से ट्रेनर को गाइड करना होता है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग आपको पता है कि आजकल के दौर में बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, तो हम जो है वो फ्रीलांसिंग को भी डिटेल में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे गेस्ट स्पीकर लेकर आए जो कि अब फ्रीलांसर हो और खुद पैसे कमा रहा हो फ्रीलांसिंग से, क्योंकि मैं अगर आपको जो है वो जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दूंगा तब तक आपको क्या फायदा पड़ेगा, थ्योरी तो हर कोई कर लेगा, यहाँ पे तो ट्रेनिंग लेने का मकसद ही ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, तो उसमें जो है ना हम आपको फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे जो कि आपको फ्रीलांसिंग की टेक्निक्स कवर कराएंगे और फिर इसको ऑफिस मैनेजमेंट में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये आता है कि भाई सर ये कोर्स मैं कर तो लूं लेकिन कौन कौन से ऐसे हैं जो कि कौन से करियर्स में मैं जा सकता हूं? वैसे तो ऑफिस मैनेजमेंट मैं कहता हूं कि हर किसी को कर लेनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है वो किसी भी रोल में आप हैं ये तो चाहिए चाहिए, राइट। ये एक जनरल सा एक ऐसा कोर्स है लेकिन ये अपने आप में कोर्स ऐसे कराया नहीं जाता नॉर्मली इतना डिटेल में, तो हमने कहा कि ये सारी चीजें जो डिफरेंट चीजें मसले आ रहे होते हैं उन सबको क्लब करके एक कोर्स बना दिया जाए ताकि जनरल लेवल का एक स्किल तो हो सब में ना, बेसिक एक स्किल तो हो ही हो। तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऑफिस असिस्टेंट है, फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं, उसके अलावा कॉल सेंटर की जॉब्स हैं, रिमोट जॉब, वर्क फ्रॉम होम, ये फ्रीलांसिंग आ गई इसमें, तो ये इस तरीके की डिफरेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपको इसमें ऑफर की जा सकती हैं और आप इसमें से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ द प्रोग्राम विल वर्क। नंबर वन, ये सेशन जो है हमारे लाइव ऑन कैंपस हुआ करेंगे और ऑनलाइन सेशन होंगे वाया जूम। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन भी होगी और फिजिकल भी होगी, दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। ड्यूरेशन जो है वो इसकी 2 months है, एवरी सैटरडे फ्रॉम 18 मार्च ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन 7 PM to 9 PM। हाँ, ये चीज एक है कि वैसे ये हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं, एवरी सैटरडे शाम को 7 से 9 और एवरी संडे 3 से 5, लेकिन क्योंकि रमजान जब आएगा तो उस वक्त हम 2 से 4 कर देंगे, एक ही क्लास हुआ करेगी रमजान में हफ्ते में। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो ट्रेनिंग 2 महीने की होती है वो शायद 2.5 महीने या 3 महीने की हो जाए बिकॉज हमें सारा आवर्स को पूरे कंप्लीट करने ही होंगे, लेकिन रमजान में मैंने कहा कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाता है, तो कम से कम ऐसा नहीं है कि बंदा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमजान में ऑफ कर देते हैं, मैंने कहा ऑफ नहीं करें, बंदा थोड़ा सा ताल्लुक में रहे, 2-2 घंटे एटलीस्ट कुछ ना कुछ वीक में हो रहा होगा तो प्रोग्रेस हो रही होगी, लेकिन 2 क्लासेस के बजाय 1 क्लास कर लेते हैं ताकि वो फिर एटलीस्ट बंदा थोड़ा सा कनेक्शन में रहे। हाँ, संडे को 2 से 4 रमजान के दौरान संडे को 2 से 4 हो जाएगी, फिर जैसे ही रमजान ओवर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस वही सैटरडे को 7 से 9 और संडे को 3 से 5। ठीक है, और उसके अलावा आपको ऑब्वियसली LMS पोर्टल दिया जाएगा, अगर आपसे रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई सेशन मिस हो जाता है या अगर आप उस सेशन को मजीद बेहतर तरीके से फिर से रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं बिकॉज हर चीज पहले सेशन में शायद समझ में ना भी आए, तो कम से कम आपके पास रिकॉर्डिंग होगी तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो,
रिकॉर्डिंग के थ्रू, राइट। हाँ, प्रॉपर LMS पोर्टल है जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, वो आप यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। डाउनलोडेबल ऑप्शन नहीं, ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बेसिस पे होता है। ये अच्छा सवाल पूछा आपने, ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमारे 2-2.5 महीने जो ट्रेनिंग हमारी चल रही होगी वो प्लस 2 महीने एक्स्ट्रा, तो मतलब आप समझे 4-4.5 महीने तक होगा आपका ये एक्सेस रिकॉर्डिंग। मोबाइल से भी देख सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल से देख, मोबाइल से भी एक्सेस हो जाएगा। ये LMS पोर्टल ऐसा दिखता है, बस YouTube के तरह ही है तकरीबन, क्योंकि वो बस ऐसे ही आइकॉन आ गया, प्ले प्रेस किया, आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, और राइट साइड पे आपके सारे वो आ जाते हैं, चैप्टर 1 पार्ट 1 रिकॉर्डिंग, पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसे क्लिक किया आपका पार्ट 2 शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपका कस्टमाइज जो है ना वो एक आपको LMS दे दिया जाता है। अब मैं डिस्कस कर लूंगा अपनी प्रोफाइल। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और मैं जो है वो फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट UXL हूँ, और इसके साथ साथ आई एम एन ACCA मेंबर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम UK और आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन फ्रॉम USA और उसके अलावा आई एम द कन्वीनर ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी एट FPCCI और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 10 years इंटरनेशनली। तो आई हैव वर्कड इन लंदन एंड इन दुबई and most importantly I've worked in Fortune 500 company IBM International Business Machines, so काफी ज्यादा international exposure रहा है, जिसको obviously मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी लेकर आऊँ, पाकिस्तान में भी हमारे जो youth है, जो हमारे पाकिस्तान में जो हमारी working force है, उसको international standards पे जो है ना training provide की जाए और उनके skills और knowledge में इजाफा हो इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जो है obviously मैंने जैसे पहले बताया कि आई एम द वन हु इज रनिंग द होल वेंचर ऑफ UXL, आई एम द फाउंडर एंड आई एम द चीफ विजनरी ऑफिसर, और इस UXL प्लेटफॉर्म में सिंस 2019 वी हैव बीन प्रोवाइडिंग डिफरेंट ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा, अब जो है वो UXL के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। UXL इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी। पहले हिसाब, पहले मोबाइल बैंकिंग नहीं होती थी, पहले बैंकिंग हमारी मैनुअल, वो सब चीजें काउंटर पे जाओ पैसे जमा कराओ फिर वो। अब क्या हुआ, सारी चीज जो है वो इजी पैसा के थ्रू हो जाती है। इजी पैसा के थ्रू नंबर डायल किया, नंबर के नंबर थ्रू बैलेंस ट्रांसफर हो गया, बिल पे करना है मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाता है। तो ये फाइनेंसेस है ना आपके, बिल पेमेंट्स जो है सब चीजें, अब ये सारी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फाइनेंस सारा मूव हो गया। तो ये एक मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको इजी पैसा का। इसके अलावा बेतहाशा और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे ERPs हैं, अब ERP जैसे Oracle है, वो पूरा फाइनेंस जो है वो आपका जो मैनुअल खाता होता था वो पूरा ERP पे हो जाता है और ERP पे फिर आप एनालाइज करते हो। तो क्या हुआ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, HBL की मोबाइल बैंकिंग ऐप है। आज से 10 साल पहले आपने सोचा था कि आप ऐप के थ्रू गैस का बिल भी पे कर देंगे या पानी का बिल पे कर देंगे या लाइट का बिल पे कर देंगे, नहीं। अब 10-15 सालों में ये फिनटेक का रुझान बढ़ गया है जहां पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, तो हम जो है वो इसके स्किल्स के ऊपर काम करते हैं कि ये कौन सा स्किल है फिनटेक में जो कि आपको चाहिए, ताकि आप उस ट्रेनिंग लें और उस ट्रेनिंग में अपना स्किल से इजाफा करके वो फिनटेक की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो हमने अपना जो स्किल्स अपग्रेडेशन का जो फोकस एरिया है, स्किल्स अपग्रेडेशन का, उसमें हमने फिनटेक को टारगेट किया कि फिनटेक में जो स्किल्स चाहिए आपको वो स्किल्स की हम ट्रेनिंग दें और फिर वो ताकि आप अपनी बेहतर। तो मकसद ये है कि हमने जो है ना, हमारी विजन ये है कि हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। जो आप अकेडमिया में सीख रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में या सर्टिफिकेशंस में, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहां पे आपको लगता है यार तो बिल्कुल दुनिया मुख्तलिफ है, जो मैंने सीखा था वो तो बिल्कुल अलग था, यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो है। तो वो क्यों है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करने में वो चीजें जो चाहिए थी आपको, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो आप अब उन कमियों को दूर कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग। UXL के प्लेटफॉर्म पे हम वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करें, उन गैप्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक ये भी एक ऑफिस मैनेजमेंट की भी ऐसा कोर्स है, देखिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो हमें सीखना होगा ना किस तरीके से एप्स चलाते हैं, किस तरीके से एप्स में कोडिंग करते हैं,
किस तरीके से एप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूजर इंटरफेस कैसे होता है, तो इस तरीके की मुख्तलिफ चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विद स्टेफटा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एंड वी आर ऑल्सो एफिलिएटेड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मिलेंगे। इसके साथ साथ वी आर केसीसीआई मेंबर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर हैं, और उसके अलावा वी आर ऑल्सो एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर विद एसडीसी कराची। मेरे ख्याल से आप एसडीसी कराची के वक्त से ही है ना हमारे साथ, है ना, कामरान भाई से बोलते थे। हाँ, तो ये जो है वो ये हमारे मतलब पहले हमारे एसडीसी कराची में ऑब्वियसली वी यूज्ड टू ऑपरेट देयर, तो ये उस वक्त से हमारे पास एक पार्टिसिपेंट आए हुए हैं हमारे पास, तो काफी पुरानी एक एसोसिएशन रही है। मुझे बहुत खुशी भी आपसे मिलकर शेखी साहब। तो जो है वो ये मतलब तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी बात होगी। तो ये है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पे आपसे रेकमेंडेशन शेयर कर देते हैं। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन शेयर्ड ऑन ऑब्वियसली आवर सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया से फीडबैक लिए गए हैं सारे। तो हमने कहा कि यार आप सबसे डायरेक्ट फीडबैक भी शेयर किया जाए, जो हमारी प्रीवियस एलुमना है कि वो किस तरीके से हम डेडिकेटेडली सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसमें हमारा ज़ाहिर है बुनियादी मकसद ये होता है कि आपके स्किल्स में इजाफा हो, आप सीखें और अपने आप को ग्रो करें। तो ये एक सेकंड फीडबैक है। तो इसी तरीके से एक और भी है, मीर शहजाद का, हाईली रेकमेंड दिस इंस्टीट्यूट, बीइंग अ लर्नर एंड डेवलपिंग माय स्किल्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, आई एम 100% सेटिस्फाइड फ्रॉम द ट्रेनर्स। तो मकसद कहने का ये एक और है, सबीला है जिन्होंने जो है वो लिखा, यूएक्सएल ट्रेनिंग इज एन एक्सीलेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन, हाईली फॉर एनीवन हु वांट्स टू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये हमारा एक और कोर्स है, उसकी ये टेस्टिमोनियल है। एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, I recently completed my financial modeling and analysis course training, which has helped me a lot in my. तो मकसद कहने का ये है कि overall satisfaction देखी जाती है कि जो भी कोर्स ले रहे हैं कैंडिडेट्स माशाल्लाह वो दूसरी दफा भी आते हैं और आके फिर से एक और कोर्स भी लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट्स को जो है ना मेजर टाइम देते हैं, मेजर उनके लिए जो है ना ताकि आपका स्किल्स अपग्रेड हो सके और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। हमारे पास और भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग विद पावर बीआई, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीआईटी, ऑफिस मैनेजमेंट है, उसके अलावा टैक्स मैनेजमेंट है, और उसके अलावा कस्टमर सर्विसेज है। तो इस तरीके के मुख्तलिफ और भी कोर्सेज हैं जो कि हम करा रहे हैं। डेटा साइंस है, वो भी हम करा रहे हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ वक्त के लिए डेटा साइंस को स्टॉप किया, बट ऑब्वियसली हमारा इन द पास्ट रह चुका है कि हम डेटा साइंस भी करा चुके हैं, पाइथन इंटीग्रेशन जिसमें आ जाती है। तो मकसद कहने का यह है कि कोशिश यही है कि भाई आपके अंदर जो है वो मेजर जो है वो स्किल्स में इजाफा हो। स्पेशल ऑफर है ऑफिस मैनेजमेंट की, वो शेयर कर देता हूं आप सबसे। सो है कम्स द स्पेशल ऑफर। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी शेयरिंग विद यू के जो आपके साथ बेनिफिट्स होंगे, ऑनलाइन एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस दिया जाएगा, और ये सब आपके लिए आज है 6,500 पर मंथ की बेसिस पे। और अगर आप 2 महीने की ट्रेनिंग है और अगर आप लमसम में पेमेंट कर देते हैं तो 11,500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये पहले थी 7,000 रुपीज की पर मंथ और 12,000 रुपया लमसम, लेकिन अब हमने क्योंकि आज आप स्पेशली हमारे लिए डेमो अटेंड कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर एक एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये ऑफर आपके लिए 6,500 पर मंथ की बेसिस पर शेयर कर दी जाएगी या फिर लमसम 11,500। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए 15th मार्च वेनसडे को ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगी 3 PM को। तो इससे पहले पहले आपको अपने नाम, ईमेल आईडी और सेल नंबर शेयर कर लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना है ताकि आप इस ऑफर को बेनिफिट ले सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पेमेंट अपनी 15 मार्च तक कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज ही करना बहुत ज्यादा अहम है। आप सबको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। मेरी टीम को मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप एडमिशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दें हमारे पास यहां पे चैट बॉक्स में ताकि आप सब रजिस्टर कर सकें और इस कोर्स से प्रैक्टिकल बेनिफिट उठा सकें। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर attending today's orientation.